अंगूठी है? चाचा कौन कौन सी है? मेरे पास हर कोई ऐसी अंगूठी है जिसको जिसको पहना के उसकी चार शादी हो जाए। अल्लाह कराएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है संडे। आप लोगों को कैसे पता होगा, क्योंकि जब ये वीडियो डालेगी तब तो संडे नहीं होगा। खैर भाई, संडे को ये प्लान होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं खाना खाने जाते हैं। सो एक जगह है जो हमारी बड़ी फेवरेट है, हम लोग अक्सर जाते हैं वहाँ पे, वो कौन सी जगह है? वो है रहमान बिरयानी, अल रहमान बिरयानी, अल रहमान बिरयानी खारादर। सो हम लोग जा रहे होते हैं अक्सर, तो सोचा अब व्लॉग बना ही रहे तो चलो उसका भी एक व्लॉग बनाते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चले जिन लोगों को नहीं पता उसके बारे में। सो ये खारादर पे नियर टावर, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं खाने के लिए। थोड़ी शाम हो गई, 5 बज रहे हैं इस वक्त। सो चलें आप लोगों को दिखाते हैं बाकी का मंजर। भाई हम लोग आ गए इस वक्त खारादर। कौन सी बिरयानी खाना है? रहमान बिरयानी, रहमान अल रहमान बिरयानी खाना है। और हम लोग आते ही रहते हैं, ये मैं हसन शफीक अक्सर हम लोग आते हैं, कभी भूख लगती है रात के 12 बजे भी तो ऐसे ही रश रहता है इनके पास। क्या हसरा क्यों हो गए? मैं जिस दिन चाहता हूँ मैं प्यार से सुलूक आऊँ, वो पीछे से देखो कोई इशारे कर भाई। मैं हंसने की वजह ये नहीं है, हंसने की वजह किस तरीके खड़ा हुआ है। आप वीडियो में नोट कर लेना, सच कह रहा हूँ। पब्लिक को इनका किसी दिन असली चेहरा दिखाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम भी शफीक है। एक ये देखें आप, इनका पेट देखें, और एक ये शफीक है और इनका पेट देखें, है ही नहीं, नहीं, नहीं। शफीक है, तुम्हारे नाम पे क्या है? डब्बा। अच्छा, रहमान बिरयानी जो है ना, उनका एक तो ये सेटअप है, ये आप देख रहे होंगे। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ना, एक ये बैठने का सेटअप है। इसके अलावा ये जो आपको दिख रही है शॉप, हाँ, ये पूरा ऊपर बैठने का सेटअप है। और इसके अलावा इनके पीछे जो गली है ना, वहाँ पे भी इनका अच्छा खासा बैठने का सेटअप है। मतलब एट अ टाइम 300-400 लोग बैठ सकते हैं। और इसका जो असल मजा है ना, वो है यहाँ पे आके खाने का। क्यों? बिल्कुल, घर आके खाने का मजा नहीं है। हाँ, जो मजा है ना, वो यहाँ पे बैठ के ताजी फ्रेश खाने का, बिरयानी गर्मा गर्म। ये बैलेंस चेक करो लड़के का। भाई इस वक्त हमारे दोस्त खड़े हैं साथ में, ये है करतार धरता अल रहमान बिरयानी के। तो भाई ये बताएं जरा, दिन भर कितने माशाल्लाह पतीले निकलते हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है 25-30 निकल जाते हैं। 25-30? नहीं यार, झूठ बोल रहे, ज़्यादा निकलते हैं ना। ये देखो, ये ही अभी अबे 3 पतीले तो मेरे सामने आ गए यार, माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे। जाहिर सी बात, गिनते नहीं है वो भी भाई, गिनते नहीं है। दूसरा ये कि सर जो होते जायका दे रहे, जब भी तो रश लगा हुआ है और रिपीटेड कस्टमर है, हम लोग भी आते रहते हैं। तो अभी 4 सेटअप बने हुए हैं यहाँ के, नहीं बैठने के लिए। हाँ, 1, 2, 3 पीछे भी तो है, पार्सल है। अच्छा, वो पार्सल का है, वहाँ पे पीछे से पार्सल है। गुड है भाई, तो पार्सल भी आ सकते हैं गाड़ियों में। आया आया खाए गाड़ी में, आप गाड़ी में आके लेके जाए आप भाई, फिर वहाँ बैठ के खाते हैं। ऊपर हाल चलो भाई, अब हम लोग भी खाते हैं यार, कब से देख रहे हैं, भूख लग रही है हमें भी यार। देखो, मेरा मशवरा तो ये है कि अगर जब कभी भी ये बिरयानी खानी है ना, तो आकर खाओ। जो बात फ्रेश बिरयानी में होती है ना, वो मंगवा के खाने में वो जायका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? जो देश से निकल के जो आप खाते हो ना, रहमान बिरयानी। बट अगर आप नहीं आ सकते किसी वजह से, तो उसके लिए भी इनके पास एक तरीका है। ये आजकल मतलब ऑल ओवर तकरीबन 15 किलोमीटर के रेडियस में ये डिलीवरी दे रहे हैं, और फ्री, हाँ फ्री डिलीवरी। ये नंबर मेंशन है यहाँ पे, आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके इनसे डिलीवरी करवा सकते हैं बिरयानी। इवन देख भी दे रहे हो यार तुम लोग? देख, हम लोग हॉक्स वगैरह पे, पिकनिक पॉइंट पे पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं, उधर सर्विस भी देते हैं। मतलब ये सहूलत भी है, बंदा कॉल करके बोले कि हम हॉक्स पे आना चाहते हैं और आप देख भिजवा दें, तो वो भी हमारी जाती है। अच्छा, मैंने देखा था कि कहीं मार्केटिंग हुई थी कि विदाउट एडवांस भी देख दे रहे हैं। विदाउट एडवांस देख दे रहे हैं, बिल्कुल। कोई लेकर भाग गया तो फिर? अरे नहीं, खैर है यार, भरोसा है लोगों की, इतनी मोहब्बत है, कुछ नहीं होगा। चलो भाई, अब हम खाना खाते हैं यार, बताएं तो कि कैसी है बिरयानी। चाचा कौन कौन सी है? मेरे पास हर कोई ऐसी अंगूठी है जिसको जिसको पहना के उसकी 4 शादी हो जाए। अल्लाह कराएगा। यहाँ पे जो है ना, फैमिली हॉल भी है, इस हाथ पे फैमिली हॉल है।
और बाकी यहाँ तो लौंडा बैठा हुआ है। हाँ तो भाई आ गए आप? आ गए। कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बताऊंगा। चलो भाई, यार रश देख रहे हो, ये ऊपर का सेटअप है इनका माशाल्लाह। वहाँ पे फैमिली बैठी हुई है और वो फैमिली के एरिया है। बाकी ये देखो, अभी बड़ी मुश्किल से हमने अपने मतलब दोस्ती यूज़ करके ये टेबल खाली करवाई है भाई, वरना तो फुल रश चल रहा है बाहर के दिन। भैया जी अभी बिरयानी का वेट कर रहे हैं हम लोग, तो चिकन बिरयानी है इनकी, 130 रुपए की प्लेट है। और भाई हमें तो पसंद है, हम लोग आते रहते हैं, तो इस दफ़ा आप लोगों को दिखाना था। अरे नहीं नहीं, चटपटा बना है, चटपटी चटपटी, हाँ चटपटी कुछ तो बोलो भाई। चटपटी बिरयानी, चटपटी कैसे? चटपटी चटपटी बिरयानी। अच्छा इनका भी नाम शफीक है भाई साहब, और इनका भी नाम, तो फर्क ये है कि ये गंजी है, इनके बाल है। सेहत भी देख सकते हैं आप। ये हो गया था पिछली वीडियो में, नहीं तो दोबारा याद दिला रहा हूँ ना लोगों को, याद दिला रहा हूँ। भाई आ चुकी है बिरयानी, ये मसाला है, चावल अलग से लाया हूँ। अच्छा जी, और रायता सलाद क्या लाया? रायता सलाद दोनों ला दें, बिल्कुल। चलो जी ये बिरयानी आ चुकी है, तो पहले आज हसन देख यहाँ बैठ के खाने का अलग ही मजा है ना। हाँ जी मिस्टर छोटे शफीक, माशाल्लाह बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत अच्छी, खाते हुए बात नहीं करते, आपने ही बोला था। अच्छा आप बात कर सकते हैं भाई, तुमने गलत समझे, हमने पूछी भूल गए भाई। अच्छी है, जबरदस्त। क्या जबरदस्त में क्या मसाला वसाला क्या है? मसाला थोड़ा हल्का है, तो इन्होंने एक्स्ट्रा मसाला दिया, आप डाल सकते हैं। हाँ अभी डालते हैं, वो तो स्टार्ट है अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है इनकी। बिस्मिल्लाह। ओ सर ये देख रहे हैं आप, चेस्ट चेस्ट पीस, और ये है लेग। तो हम खाएंगे चेस्ट, थोड़ा सा लेग ओ बची। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भी डाला थोड़ा सा भाई, गर्मा गर्म बिरयानी का जो मज़ा है ना, और देख से निकली भी फ्रेश बिरयानी का ये, आप मैं बता नहीं सकता, कैमरे में आपको फील नहीं होगा, आके ट्राई करनी होगी। ओह हो ओह हो, जबरदस्त। तुम इतने संजीदा क्यों खा रहे हो? हाँ भाई, ये मेरी प्लेट हो गई खाली, ये बता रहा हूँ आपको, खाली होने वाली है, सुबह मिलेगा वो, ये लो फोन पे बिजी है। हसन क्या हुआ बेटा, छुपा रहे क्यों? खा। और आप खत्म होने वाली, ये तो चुड़िया की तरह चुक रहा है, अबे इसको मिर्चा लग रही है, काली मिर्चा बहुत है। अरे यार क्या खीरे लेकर आ गए हो यार, ये भाई खीर भी आ गई है। अच्छा हम लोग मीठे पे आ गए, ये अभी तक जो है ना बिरयानी पे ही लगा हुआ, प्लेट साफ कर। हाँ स्लो मोशन है, स्लो मोशन है सर, मगर आप तो बहुत ज़्यादा फ्लैश हो, आपको फास्ट हो आप, क्या कर भाई। बिरयानी खा चुके हम लोग, और पेट देख रहे होंगे आप, ऐसी थोड़ी हमारे पेट निकल रहे हैं। अब मसला ये है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि यार यहाँ की बिरयानी अच्छी है, यहाँ की बिरयानी अच्छी है, तो उनको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखो ये जो रिस्क होता है ना, रिस्क की कभी बुराई नहीं करते, हर किसी का डिफरेंट टेस्ट बर्ड होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो हर किसी का एक अपना टेस्ट बर्ड होता है, तो कभी भी रिस्क की बुराई नहीं करनी चाहिए। हर खाना जहाँ भी आप खाएं उसको अच्छा ही बोलें, तो मेरे रिव्यू में आपको बुराई नहीं मिलेगी भाई, अच्छा ही मिलेगी हमेशा। शुक्रिया।
तो भाइयों ये था व्लॉग हमारा अल रहमान बिरयानी पे, फूड व्लॉग था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा, एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा। हम लोग यूजुअली ये खाते रहते हैं तो सोचा कि चलो इतनी दफा यहाँ खाने गए हैं तो एक दफा व्लॉग भी बना ले। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, वो ये चीजें देखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो बस ये एक्सपीरियंस उनको देने के लिए ये व्लॉग बनाता हूँ भाई मैं, फूड व्लॉग। और जैसे कि आपको कहा कि भाई कोई भी खाना बुरा नहीं होता, रिस्क की बुराई नहीं करनी चाहिए, सो मेरे व्लॉग में आपको एटलीस्ट खाने की बुराई नहीं मिलेगी। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। हाँ भाई सब्सक्राइब पे पेट भर गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है, सेब नरम है। चलो भाई अल्लाह हाफिज़।